सलमान हरी जी वालेकुम सलाम रहमतुल्ला, राजा नुमान जंजुआ जी वालेकुम सलाम रहमतुल्ला, चौधरी रिजैन हुसैन साईं, थैंक यू भाई जी। कैसर भट्ट जी हेलो जी, मोहसिन अब्बास हेलो, सलमान हारी उस्ताद जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। राजा नुमान जंजुआ, अब वीडियो सही आ रही है। मेरी कोशिश, मैं जी आप लोगों के सारों के को ये बता रहा हूँ, जुबैर मियूँ। हाँ जी जुबैर बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अशफाक क्या हाल है पुत्र? ठीक है, तबीयत ठीक है? चौधरी उस्मान मेहर, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी फ्रॉम सऊदीया जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्ला। नहीं जी, ये लाइव मैं आपको नहीं बीच में कॉल में ले सकता, क्योंकि अपना वो सिस्टम नहीं है। वो भी सिस्टम मैंने ऑन भी किया था आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को बीच में लाइव भी लिया करूं, लेकिन माजरत के साथ वो इधर नहीं चल रहा ना। एम असद कुरैशी, मुझे आप का शिगिर्द होना है। और यार बग़ैर शिगिर्द हो ये सारा कुछ पूछ ही जाओ, ज़रूरी है लड्डू खाना होता है। चौधरी उस्मान साहब जी, आप भी ग्रेट हो मेरे भाई, आप लोगों की प्यार मोहब्बत है। उस्मान चट्ठा जी वालेकुम सलाम रहमतुल्ला, राजा नुमान जंजुआ ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत है। बाबा जी आपकी हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यार ये आप लोगों का प्यार है मोहब्बत है। अरसनान अली अली जी वालेकुम सलाम, शफीक आसिफ जी वालेकुम सलाम, एम जुबैर बगी बेग, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। कबूतरों की वापसी की पहचान, हाँ ठीक हो गया। मोहम्मद हाफिज साहब, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कबूतरों का जो सा ना, जो जिन कबूतरों में हम सियालकोटी क्रॉस देते हैं ना, तो जब हम उसकी ऐसे पलक उठाते हैं ना ऐसे, तो पीछे जगह एक फासला होता है, ठीक है जी। अभी कुछ उस्ताद अहबाब उसको जो था छेवा रिंग भी बोलती है, बेसिकली वो रिंग रूम कोई नहीं होता, वो उसके मसल होते हैं उधर भी। तो वो जिन कबूतरों के ऐसे पलक उठाने से अंदर कलाहट आती है ना, वो कबूतर बहुत चालाक गिने जाते हैं, सियाने होते हैं, ठीक है जी। और कबूतरों ने घर जो है, सनी पुत्र तुसी भी ग्रेट हो, कबूतरों ने जो वापस आना होता है ना, वो परों से आना होता है, ठीक है। देखिए जैसे जितना मर्जी चलाक कबूतर हो, हम उसके पर काट दें, वो कबूतर घर तो नहीं आ सकता ना। तो वापसी जो सी है ना कबूतरों की ना, वो परों के अंदर देखी जाती है, उनके फ्रिक्वेंस देखे जाते हैं कि कबूतरों की किस तरह की मूवमेंट है, ठीक है जी। चलाकी कबूतर की जो सी आँख से पहचानी जाती है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं। यार आप इंडिया से हो मोहम्मद हमजा भाई, तो इंडिया से ही कबूतर माइग्रेट होके पाकिस्तान में सारे आए हैं। हम कोई और कहीं किसी कंट्री से तो नहीं कबूतर ले आए ना। तो हमारे पास जितने भी कबूतर हैं वो इंडिया के ही कबूतर आए हुए हैं, तो हम लोगों ने तो वो कबूतर मेंटेन किए हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर वो कबूतर सब मेंटेन किए हैं। बाबा जी आपकी मालूमात बहुत फ़ायदा हुआ है, ग्रेट उस्ताद जी उस्मान चौधरी, थैंक यू भाई जी।
कि आप लोग अमल करती हो। अरशद अली अली, कुछ कबूतर दुम वाली साइड से वाजिया ज़्यादा होते हैं कि बने में बताएं। इस मौजू पर आपने पहले कभी बात नहीं की, और जिन कबूतरों के नूर के ऊपर रिंग नहीं होता। देखो, शायद रजा भाई अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अब मैं एक पहले भाई का जवाब दे दूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी बात बताता हूँ। देखो, जो नूर के ऊपर का रिंग होता है ना, मैंने 1000 दफ़ा उसके ऊपर बात कर दी हुई है, शायद आपने देखी ना हो, सुनी ना हो। ठीक है, एक दोस्त ने भाई ने बोला था कि उस्ताद जी बहुत तंग है, कुछ कबूतर बच्चों के ना पर खा जाती है। देखो, आप अपने नए कबूतर आपने सर किए हैं, ठीक है ना, अगर आपके साथ ऐसा मसला आ रहा है तो अच्छा काबिल उस्ताद आपको यही कहेगा, बीच में थोड़े कबूतर टांग लो, ऊपर नीचे करके उनके थोड़े कुंदे जो सी हैं वो शोल्डर उनके बनाओ, उनका गोश जो है उसको उतारो, उसके बाद उनके पर खोल के उनको उड़ाने शुरू कर दो। आज़म अली साहब, आँख का जो पीपल है ना, पीपल, उसके ऊपर जो रिंग है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कबूतर का ना। और दूसरी बात आपने की है कि पीपल के ऊपर रिंग नहीं होता, तो ऐसी बात है ही नहीं कबूतरबाजी में, हर कबूतर की आँख के ऊपर रिंग है, नूर के ऊपर देखने वाली आँख होनी चाहिए। कुछ इम्तियाज राजपूत जी, राणा साहब हम भी रानी है भाई जी, हर कबूतर की आँख के ऊपर जो सा ना रिंग ज़रूर होता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई अल्लाह पाक ने उसकी नस्ल तो दी है ना। बिल्कुल अमीर उमर अवान, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई मज़ायका नहीं है यार। देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ ना पहचान के बारे में बताता हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि खुली दुम का गंदा है और बंद दुम का अच्छा है और ऐसे और ऐसे, मैं आप लोगों को पहचाने बताता हूँ। आप लोगों का काम है फिर, अगर आपके पास एक खुली दुम का कबूतर है तो आप उसको मेंटेन करो, आपको पता है कि उसका ब्लड अच्छा है तो आप उसको मेंटेन करो, उस कबूतर को उसकी दुम बंद करो, छोटी दुम की उससे मादी लगाओ अगर ना रहे तो। अगर मादी है तो वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगी ज़रूर, क्योंकि मादी का ना परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है कबूतरबाजी के अंदर, क्योंकि 70% जो सी कबूतरबाजी है ना वो मादी के अंदर ख़त्म हो जाती है आकर, क्योंकि जितनी वो नेपोलियन ने कहा था ना अपना कि तुम मुझे अच्छी माए दो मैं तुम्हें अच्छे फौजी दूंगा, तो ये जो थी बात है ना, ये बात समझ लो कि कबूतरबाजी पे यही बात लागू होती है कि जितनी अच्छी माँ होगी ना बच्चा उतना अच्छा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि माँ ने उसको बहुत कुछ देना है, बच्चे को बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमारी मैच नहीं करती गोरे के साथ। ठीक है ना, क्योंकि गोरे ने रेसर कबूतर बनाना सीधा उड़ने वाला, उसको स्पीड चाहिए और हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें कबूतर चाहिए जो ठहरे आसमान के अंदर। ठीक है ना जी, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ना एक बहुत अच्छी आज देता हूँ, और ये आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी।
आधा किलो पत्थर ले लो और आधा किलो रुई किसी जो से लिफाफे में डाल लो और उसको बांध दो। मलक साहब तुसी भी उठे हुए हो, मलक साहब वो अपना जेड़ा लिंक है ना अपना उनका स्क्रीन शॉट करके ना तो इतने भेजो ताकि दोस्त बाब न सबसक्राइब कर ज़्यादा तो ज़्यादा तो ज ताकि जड़ा उधरों फिर मैं जड़ा है जड़िया मूवियाँ कुछ दोस्त बाब इस तरह की कहें कबूतर दिखा दी या उनकी दुम पार के मुतालक तो उन्होंने फिर जड़ा मुकम्मल बना के तो उन्होंने मैं भेज सकता वो तुम अपने चैनल पर चढ़ा देना ताकि उन्हें भी भरावान दोस्तों का बहुत फायदा हो। मेन मतलब है दोस्तों भरावान का फायदा करना। तो मैं आप लोगों को अब ये देखिए ना जब बीच में सवालों जवाब आते हैं ना तो कोई भी बात कर रहे होते हैं ना तो उससे ना बंदे का ना जो ना टेम्परामेंट ना आउट हो जाता है, बंदे ने बोलना कुछ होता बोलने कुछ शुरू हो जाता है। कह सकते हो मुख्तियार हमद भाई आप कह सकते हो कि 90% जो सा मादा है 10% नर है, कह सकते हो, कहने में तो कोई बात नहीं है क्योंकि जितनी अच्छी मजबूत ज़मीन आपके पास होगी उतना ही अच्छा आपका बीज काम करेगा। जितनी अच्छी ज़मीन जितनी भी अच्छी ज़मीन बनाओगे ना देखें फिर बात वही आ जाएगी कि सारी चीज़ होती है ना आपका एक्सपेरिमेंट हल करेगा। हाँ जी वो जो दुम वाली साइड से भारी होती है ना उनकी जो होती है ना पीछे गांठ देखना कबूतर की ना जहाँ से पर स्टार्ट होते हैं ना उसको हम गंड बोलते हैं नीचे ना उसकी गंड होती है। जिस कबूतर की मोटी गांड होगी ना उसकी दुम ऑटोमेटिकली खुली होगी। वालेकुम सलाम तजमल जी देख लो अभी थोड़े लिए सारे लिए लाइव आए हैं हूँ नहीं तुम कह सकते कि उस्ताद जी साढ़ी असी तो तुम लाइव देखिया ही नहीं कदे भी अभी देख लो तुम लाइव के बेच ही है। इमरान साहब तुम भी ग्रेट हो अल्लाह शुक्र है तजमल साहब बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप वो देखना वो कबूतर की ना वहाँ पे ना गांठ मोटी होती है ठीक है। तो जिस कबूतर की गांठ मोटी होगी ना उसकी टेल जो थी ना ऑटोमेटिकली जो थी ना भारी होगी। जी आसिम भाई क्या हाल चाल है आपके ठीक ठाक। वालेकुम सलाम आसिम भाई और सुनाए क्या हाल चाल है आपके ठीक ठाक है। तो वो गांठ जो थी ना कबूतर की इस तरीके से आपको पता चलेगा फिर उसकी ना टेल का आपको अंदाज़ा होगा। जो कबूतर पतली दुम के होंगे ना उनकी पीछे जो गंड होगी ना वो बारीक होती है वहाँ से पता चल जाता है। वैसे तो अब यार इतनी दुनिया अवामो नास बता रही है कबूतरों के बारे में और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रहनुमाई हो रही है कि अगर अब मैं ना भी बताऊँ तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब बहुत दुनिया बता रही है कबूतरबाजी के मुतालिक और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शौकत अली साहब आप भी जो सा उठे हुए हैं शायद रजा भाई कौन सी 100% बात कर दी रिजवान भाई गांड वाली बात यार ये आम आम सी बातें हैं पता नहीं क्यों ये लोग साल लोग इनको दबा के रखते हैं मेरी तो समझ से बाहर है यार। हालांकि कोई इतनी को मैंने तो कभी किसी से भी नहीं कहा ना मैंने किसी से पूछा तू जो उनसे कौन सी पार्टी से तलक रखता है कौन सी पार्टी से तलक नहीं रखता। जिसने पूछा ऐसे ऐसे मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कर ले अमीर उमर अवान आजी ताहिर रजा
दोबारा करो, दोबारा आप ताहिर रजा दोबारा सवाल करो, सामने आएगा, मैं आप अभी आपको जवाब देता हूँ, मुश्किल नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बात यह है कि बहुत बहुत अच्छे समझाने वाले भी होते हैं। ये देखें अभी सामने स्क्रीन पे मेरे शो हो रहे हैं, आसिन चीमा भाई कराची के चैंपियन हैं, नो फ्लायर में उन्होंने चैंपियनशिप जीती हुई है, बड़ा अच्छा शो किया है इन्होंने कराची के अंदर। अभी फिर मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आएंगे दोबारा, तो बताते भी हैं दोस्त। देखो जी मलिक रजा साहब, बात तो ऐसी ही है कि अगर ब्लड ब्लड लाइन का परिंदा आपका बेस्ट होगा तो बाकी तो सारे उसके लवाजमात हैं, आपने फिर उसके पूरे करने, ठीक है ना। ये नहीं है कि अब एक ब्लड लाइन को ही आप खाली देखते रहो, ब्लड लाइन का बंदा आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि ब्लड लाइन का बहुत अच्छा बंदा हो, बहुत ताकतवर हो और लातों पे उसके पोलिया हुआ हो तो वो किसी काम का है, वो बेचारा कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शौकत अली, इंशाल्लाह ज़रूर। नहीं, ऐसी बात नहीं है हाजी ताहिर रजा साहब, मैं इंशाल्लाह आपको ना पर दिखा दूंगा दोनों तरफ से, और एक सिस्टम है उसका बैलेंस कबूतर का बनाने का, इंशाल्लाह मैं उसकी ना मूवी बना के आपको परफेक्ट जो सी आपको भेज दूंगा, जो सा ना यूट्यूब पे मुबशर के चैनल पे डाल दूंगा, मलिक मुबशर खोकर के नाम से उसने चैनल जो बनाया है ना उसके ऊपर मैं आपको, तो वो आप जो है ना जी वो आप देख लेना, दोनों तरफ से कबूतरों का जो है ना पार बैलेंस होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन कबूतरों के पार दोनों तरफ से बराबर नहीं ना होते, ठीक है ना, तो वो कई रीज़न होती हैं, कई दफ़ा कबूतर बीमार होता है उसकी वजह से भी कबूतर का एक साइड के पार जो होते हैं ना वो ख़राब निकल आते हैं। जब कोई पार ख़राब निकल आया तो जब आप उस कबूतर को दोबारा क्रीज देते हो ना नहला धुला के सही तरीके से ताकत में, तो उसके परों का बैलेंस पूरा निकलता है। देखिए जिस वक्त हम कबूतरों को पुटाई देते हैं, पार पुटाई देते हैं, तो जब उनके पार आते हैं तो कुछ कबूतरों के पार जो होते हैं ना बीच में से ख़राब निकल आते हैं, ठीक है ना। तो उस साजा कराम जो होता ना उस चीज़ को जो होता ना अपना उन कबूतरों को पहले ही साइड पे कर देते कि यार ये ज़ाया हो जाएंगे या इनके पार सही नहीं निकले, तो वो किसी कमज़ोरी की वजह से किसी वजह से जो था ना उनके, अयूब भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी, वालेकुम सलाम। यार मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई मैं लाहौर से हूँ, ठीक है, और टाउनशिप की मेरी पैदाइश है, अभी हम लंचिया चले गए हैं जी। वालेकुम सलाम अयूब भाई, वालेकुम सलाम सलमान हारी। बाबा जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप मेरा कमेंट्स देखें भाई, दोबारा करो सलमान अरी, दोबारा करो, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इतने कमेंट्स आ रहे हैं मैं अभी ये सारों के जवाब तो नहीं दे सकता ना। वो बोलते हैं कि तुमने इनके माँ बाप नहीं देखे तो तुमने कैसे बताया कि ये सियालकोटी और कसूरी है, मैंने बोला ये सब बाबा जी ने की मेहरबानी है। वो यार भाइयों
ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को यार सिखा दूं कि आप लोग किसी के काबू ना आओ, फंसो ना, गलत जो सा रास्ता ना अपनाओ, सीधा रास्ता अपनाओ। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है यार, लोग क्यों नहीं बताते। मैंने तो फिर एक यही आखिरी नतीजा निकाला है, माजरत के साथ अगर किसी की दिल आजारी होती है तो इस बात पर, क्योंकि मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं किसी भी बंदे की दिल आजारी करूं। लहजा आप लोगों को लगता है मेरा बहुत सख्त है, तो लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूं बिल्कुल भी। जो मेरे साथ दोस्त भाई बैठते हैं उनसे पूछो बाबा सिकंदर क्या है, ठीक है ना। तो कुछ ये किया करें यार कि जो थी मेरी भी ये मूवी आती है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। उससे क्या होता है कि जो हम दोस्त भाई साथ ऐड हो जाए। देखें मलिक रजा साहब, ये बात एक फजूल है कि कौन सा बेस्ट क्रास है, सब क्रास अच्छी है। देखो है तो सारी क्रास है ना, अगर इस बात के ऊपर हम आ जाएंगे तो पहला कबूतर तो जंगली है, पहला कबूतर जंगली है। अगर हम इस बात पे आ गए ना तो हैं तो फिर सारी क्रास, तो कोई भी क्रास लगा सकते हो आप लोग। यार ये बात जो था ना, इस बात से हट जाओ कि ये सियालकोटी है, ये कसूरी है, तो ये टैडी है, ये टैडी नहीं है। जिन लोगों के पास सियालकोटी अच्छी है उनके पास सियालकोटी बहुत अच्छे उड़ते हैं। जिन लोगों के पास कसूरी अच्छी है उन लोगों के पास कसूरी अच्छे उड़ते हैं, तो फिर लड़ाई की चीज की रहेगी। लड़ाई तो फिर कोई चीज की नहीं ना रहेगी। एक डार आंख और एक लाइट आंख, इसका क्रास होता है डार को लाइट को। डार को लाइट करने के लिए आपने क्रॉस देना है, लाइट को थोड़ा सा डार्क करने के लिए आपने क्रॉस देना है, ये है क्रॉसिंग। एक पार चौड़ा है उसको ब्रीक पार आपने लगाना है, ये है क्रॉसिंग। एक सीधी हड्डी है, एक कर्व वाली हड्डी है, ये क्रॉसिंग है। एक ही टेल अगर थोड़ी भारी है तो एक को ब्रीक टेल लगा देनी है, ये है क्रॉसिंग। एक ही आपको अगर नेक मोटी लग रही है, पंजा मोटा लग रहा है, दूसरे के बिल्कुल ब्रीक हैं, ये है क्रॉसिंग। ये बात है क्रॉसिंग की, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई मजायका नहीं है। हर कबूतर जब क्रॉस है तो हम लोग क्यों नहीं इस बात से इत्तफाक करते कि यार ये टैडी है तो उसको टैडी में लगाना है, ये कसूरी है तो उसको कसूरी में लगाना है। यार इस बात से हटो, दो अच्छे क्रॉस मिलकर एक नया खून बनाते हैं, यानी कि दो अच्छे खून मिलकर एक नया खून बनाते हैं। मेरी बात नहीं है, जितने आला उस्ताजा कराम इससे मेरे के को सियालकोटी और कसूरी क्रॉस पठियाँ पठे दिखाएं, मैंने एक मिनट में पहचान लिया कि ये सियालकोटी और कसूरी क्रॉस है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, क्योंकि उनके बे बन रही होगी आंख में, उनके ऊपर कलाहट आ रही होगी, ठीक है ना जी। तो जब मैं आप लोगों की ऐसी बातें सुनता हूँ ना, कि आप लोग जब मुझे बताते हो कि जी हमने फलानी जगह पे देखो और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, तो मुझे बहुत तस्कीन मिलती है कि यार शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही हैं। और मेरा ना कोई इतने लंबी तकरीर करने का मतलब या मकसद कोई नहीं होता, मतलब मकसद सिर्फ ये होता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंसरिंग कर दूं, क्योंकि यार मेरे पास 2,000 3,000 मैसेज होते हैं। अब एक दोस्त ने मुझे दिल इतनी शदीद दुख हुआ कि वो बंदे ने मुझे 2 साल पहले का मैसेज किया हुआ, मैंने परसों उसका मैसेज देखा है। उसने कहा शुक्र है मेरी बारी आई, मैंने डर के मारे दोबारा आपको मैसेज इसलिए नहीं किया था कि किधर आप नाराज़ ना हो जाओ।
यार करो ना सलमान हरी, करो दोबारा क्वेश्चन करो ना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का मेरी जान। आप करो, मैं आपको आंसर करूँगा। और अगर किसी के भी आंसर यार रह जाते हैं तो माधुर के साथ नाराज़ ना हुआ करो, ठीक है ना। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जवाब दूँ, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करूँ। बाकी आप लोगों के अपने नसीब हैं, किसी का रह भी जाता बीच में से तो यार वो नाराज़ ना हुआ करें। यार क्यों नहीं उड़ सकता तनवीर साहब, बांदुम के कबूतर को क्या तकलीफ है वो सर्दी में ना उड़े। शाह साहब दी ग्रेट, शाह साहब क्या हाल चाल है। यार दोबारा करो ना, आपने किया मुझे पता है आपने किया हुआ। अब मैं ऊपर मेरा ख्याल है कुछ 600-700 कमांड्स हो गया है, अब मैं अब आपके लिए तो नहीं उसमें लगा रहूंगा ना, तो अब दोबारा कर दो अगर आपने किया हुआ तो। आप ऊपर जाओ उसको कॉपी करो और कॉपी पेस्ट करके दोबारा कर दो। बांदूम का कबूतर यार उड़ता है, बांदूम का कबूतर, बंदुम का। हमने फिर मुझे ठीक ठाक है ना, आप तबीयत ठीक है आपकी ना। बंदुम का कबूतर जो था ना, हमने स्पीड देने के लिए बनाते हैं हम उसको कि स्पीड से जाएगा बंद। खुली दुम का कबूतर आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जाता है। अब बाज बैरी बहुत पकड़ती है कबूतर को, अगर हम बड़ी चौड़ी दुम का कबूतर बनाएंगे, हालांकि उसका टाइम ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा उड़ सकता है। बाबा जी मैंने कबूतर उड़ा रहा हूँ, मेरे कबूतर जब 2 या 3 बजे के बाद नीचे आकर ऊपर जाते हैं तो वो घर नहीं आते। हाँ आप सुन लो, आपके कबूतर हैं थोड़े कच्चे, ठीक है, आपने उनको फिरते नहीं दी मुकम्मल ना, यानी कि उनको आपको बांध के उनको ऊपर नीचे जो था ना लगाना चाहिए था। अब वो ज़ोर ज़्यादा मार रही हैं, वो नीचे आती हैं, ऊपर नीचे आती होंगे काफ़ी दफ़ा ना, तो हिट कर जाती हैं। जब वो कबूतर हिट कर जाएगा ना, तो वो कबूतर का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना ही आएगा वो। पीर मुर्शद चौड़े पार में या बारीक पार के अंदर फ़र्क तो कोई भी नहीं है, फ़र्क कोई भी नहीं है। ब्रीडिंग है ना, क्या होता है, थोड़ा चौड़ा पार होता है, उसको चौड़ी थोड़े पार की मादी लगा दी, वो और चौड़ा निकल आया, ठीक है जी। चौड़े पार का कबूतर स्लो हो जाता है, बारीक पार का कबूतर तेज़ होता है। तो अब जो हमारी कबूतरबाजी जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, तो हमें जो होता है उसमें मियाना रवि रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा तो शाम बिठा रहा है। ये थोड़ी है कि एक बंदा जो था वो शाम बिठाए और वो जीत जाए सारा कुछ। अब तो हर बंदे का शाम को बैठ रहा, अब तो किस्मत है, किस्मत से जीतना है, तो उसके साथ हमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार हो गई है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, किताबों से, लोगों के घरों में जाके शऊर बहुत ज़्यादा आ गया लोगों में, इल्म सीखने की जस्तजू बहुत है, सीख रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। कबूतरबाजी में परखें बहुत आ गई हैं, उसको देख रहे हैं जो पहले नहीं था, जिसका शाम बैठा। पीर साहब मैं आप ख़ानदानी कबूतरबाज हूँ, मैं आपको अपने घर की बताता हूँ। हमारे घर 11:30 बजे कबूतर बैठ के भी बाजी जीता हुआ है, सुबह 10:30-11 बजे बैठ के कबूतरबाजी जीता हुआ है। 1-2 बजे तो बाजी ख़त्म हो जाती थी, लाहौर पूरे की बाजी 1-2 बजे ख़त्म हो जाती थी। अब
एक दो बजे। अब पहला कबूतर 4 बजे लाहौर में बैठता है। हाँ जी फैजल साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है तुहाडी? लग रहे ने मेरे जोड़े। जैनुल आबिद राजपूत। आंसर उस्ताद जी दोबारा करो, आप कौन साहब ने सवाल किया था? इमरान खान जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी दादा उस्ताद जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खलीफा नुमान भट्ट साहब। खलीफा नुमान साहब जी बहुत प्यारे भाई हैं, मोहसिन दोस्त हैं, तो इनके साथ हमारा बहुत ही प्यार है। मोहम्मद अवैस। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों बात यही है कि पीरो मुर्शिद आप उस्ताद हो, आप में कौन सी ऐसी कोई कमी है उस्तादी वाली? माशाल्लाह इतनी आला आपका। यार वैक्सीनेशन देखो, पहले चुईटा आती थी, हम चुईटा लगा रहे थे, तो अभी वो चुईटा बंद हो गया। टीका है अपना, टीका है इधर मार्केट में, वो अच्छा है। और अगर आप लोगों की अनी जी तुम भी अभी सोए नहीं हो, रात का क्या टाइम हो रहा है? पाकिस्तान में 1:30 बज रहा है, अनी सो जा। हल बेटा उसका बहुत अच्छा हल है। आप कबूतरों के ना अंदर से ना 4-4 5-5 पर बांधो, उनकी फिरते ले लो, को 5-7 फिरते उनकी लो, इंशाल्लाह कबूतर सारे घर बैठेंगे, थोड़ा जल्दी बैठ जाएंगे। उसके बाद उनके पर खोल के फिरते लोगे, इंशाल्लाह नहीं जाया होंगे। बेहतरीन हाल यही है, या तो ऊपर मौसम की 1-2 बजे के बाद खराबी हो जाती है, जो ऊपर अगर वो ढावी चलती है तो वो ढावी के आगे लग जाती है, जोर उन्होंने मारा हुआ होता है, नीचे आके दोबारा गए होती हैं, तो बांध लो। मैंने तो यही देखा है अच्छे उस्ताज़ा कराम को करते हुए, कि अगर कबूतर ऊपर वाली सतह का तूफान होता है तो वो कबूतर के अंदर थोड़े से पर बांध के और उनकी फिरते लेने शुरू कर देते हैं। बड़ी टिप है ये, बहुत बड़ी टिप है ये। वकास अब्दुल बरकी। पॉइंट गर्दन में लगता है, 2 पॉइंट गर्दन के अंदर लगाते हैं कबूतर की। मैं आपको नेट के ऊपर वो मुबशर ने चैनल बनाया है ना, उसके अंदर मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे लगती है, 1-2 दिन में डाल दूंगा मूवी। कल तो जुमा है, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं, तो मैं आपको बता दूंगा तरीका कैसे कबूतर की गर्दन में। यार जो कबूतरों का, जो कबूतर आप लोग समझ रहे हो ना, आप लोगों को कबूतर ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं, तो आप दूरबीन लगा के चेक करो कि ऊंचाई के अंदर क्या तूफ़ान तो नहीं चल रहा। अगर ऊंचाई के अंदर तूफ़ान चल रहा तो कबूतरों के थोड़े पर बांधो अंदर से, बार 4-4 5-5 पर बांध लो, बाहर के 4-4 3 दिन छोड़ के ना अंदर से 4-4 5-5 बांध लो, कबूतर नहीं ज़ाया होंगे इंशाल्लाह, घर बैठेंगे सारे। जब 3-4 5 फिरते हैं उनकी ले लोगे, उसके बाद आप उनके पर खोल दो, और वो सारा निज़ाम आपने देखना ऊपर से टावियों का, अगर टावियों ऊपर
ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ 10:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੀਂਦ ਪੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਬੂਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਸੂਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸਤਾਦੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਹਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਬ ਆਪਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਪੜੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਆਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਕੰਮ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਬਸ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨਕੋ, ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਤੋ ਆਪ ਉਡਾਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਹੀ ਆਏਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੇ ਕਾਮ ਆਏਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਉਹਨਕੇ ਜੋੜੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਪ ਲੋਕ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਤੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕੰਮ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾ ਤੋ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕੋ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਆਪ ਦੂਰਬੀਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਮ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ 10,000 ਕਾ, 20,000 ਕਾ, 50,000 ਕਾ, 5,000 ਕਾ, ਦੂਰਬੀਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹਮਨੇ 5-10,000 ਰੁਪਏ ਕੀ, ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਯਾਰ ਉਡਾਤੇ ਹੋ ਤੋ ਉਨਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਸਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਦੂਰਬੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਬ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜੀ ਯੇ ਪਰ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਯੇ ਪਰ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਤੀਨ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਮੈਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਯੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਂਖੇ ਹਨ ਇਨਕੋ ਖੋਲੋ, ਹਮ ਲੋਕੋ ਕਾ ਮਾਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਾਲ ਭਲਾ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਤੋ ਕਰੂੰ ਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾ ਕਾਨ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਕਾਨ ਵਾਕੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਔਰ ਜਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨਾ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਡੰਡਾ ਥਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ, ਜਬ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ੋ ਦੇ ਹਟੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਭਾਈਓ ਜੋ ਉੜਤਾ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੜੇ ਹੈ, 3-4 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਥੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੋ ਉਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਮੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੜੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੜੇ। ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ੇ, ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਲਗਾਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਲਗਾਓ, ਦੂਰਬੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੁਮਾਨ ਬਾਈ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਕੋ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨਾ ਟੈਟੂ,
यार आप कबूतर के ऊपर दूरबीन लगाओगे ना जिस वक्त, तो आपको पता चलेगा कि कबूतर जोन सा है, क्या कर रहा है आसमान के अंदर, किधर को जा रहा है, किधर से आ रहा है, ठीक है ना जी। और जब वो बैठे उसके पर पकड़ के चेक करो, उसकी हड्डी देखो, उसका जोड़ देखो, 10 कबूतरों को कर लो, सिर्फ 10 कबूतरों को, ठीक है, इंशाल्लाह उस्ताद हो जाओगे। ऐसे यार देखो हमारे घर में उस्ताद था कराम माशाल्लाह, बड़े बड़े काबिल उस्ताद आते हैं मेरे पास, ठीक है, वो आते ऐसे कबूतर का पार खोला, और यार है कबूतर ठीक नहीं, लंबा चलेगा। ओए हमने तो वो कबूतर उड़ाया हुआ था और वो हरामी लंबा भागता था, ये उस्ताद को कैसे पता चल गया? वो भाई अगलों ने उम्रें अपनी गाली हुई है कबूतरबाजी में, उन्होंने एक टाइम एक्सपेंड किया हुआ है, उन्होंने वो उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब हो सकता है उन्होंने दूरबीन से ना किया हो, वैसे कबूतर को क्या कोई और पैमाने से उन्होंने सेट करके उन्होंने देखा हो, या नज़र बहुत अच्छी लोगों की है, बहुत बहुत कई दूरबीन से नहीं नज़र आ रहा होता उनको, वैसे तो आप नज़र आ रहा होता है, ये तो अल्लाह की अतात है ना, अल्लाह की देन है, जिसको जैसी नज़र दे दें। तो वो तजर्बा है, मैं ना कबूतर उड़ाए, ना कोई गल, ना कोई बात, मैं बता रहा हूँ जी, ये पार जी चमकों में खड़ा रहता है, ये वाला पार जिसका 10वां 9वां 10वां बराबर होता है, 8वां क्लोज होता है, यहाँ पे लगा होता है, ये कबूतर बहुत गहरा होता है, या 10वां थोड़ा सा अंदर होता है, ये बहुत गहराई पकड़ता है, ये जिसके 2 बराबर होती हैं ये ऊपर जाके लंबा चलता है। मैंने कहाँ से बता दिया, मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की जफ़ी है, जादू की छड़ी है, कि जो मुझे मेरे पास कौन से को मुअक्कल हैं कि जिन्होंने मुझे बता दिया बाबा जी ये ऊपर जाके जो लंबा चलता है ये बता दो इसको। ये देखें जी इनमान भाई भी उस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह सीनियर घराना है कबूतरबाजी का, कि जी बिल्कुल ठीक बातें, सही बात है ये ना। तो ये जो थी बातें हैं ना, ये आप लोग ना इस तरीके से सीखो, और कोई ज़रूरी नहीं है। एक और भी बात मैं आपको बताऊं, ये भी हमें फुद्दू ड्रामे लगाए हुए हैं, और जी इन्हें तो जोड़े लखे ने, इनू की पता उड़ान दा, वाह रे वाह कमाल है, अल्लाह ने उसको अकल नहीं दी। जो बंदे एक छतों पे कबूतर उड़ाते हैं वो जाके उधर देखता है, उनके कबूतर देखता है, वो उनका देखता है कैसे दाना डाल रहे हैं, कैसे पानी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दो बंदे लिडो खेल रहे होते हैं ना, तीसरा बाहर बैठा होता है, उसको ज़्यादा समझ आ रही होती है कि ये 6-4 से गोटी मार रही है, तो जो उड़ा रहा है ना उसको समझ है, लेकिन जो वैसे ही साथ बैठ के देख रहा है ना रिलैक्स होके, उसको ज़्यादा समझ आ रही है मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो अगर बंदा ब्रीडर ही नहीं है, उसने कबूतर ही नहीं बनाए घर के अंदर, तो उड़ाना क्या आप लोगों ने? एक बंदा ब्रीडिंग ही नहीं करता, बगैर ब्रीडिंग किए आपके पास अगर 1,000 कबूतर है, कोई बंदा चैलेंज कर सकता है कि ये जी ये कबूतर है, ये 10 साल भी इसको उड़ाते रहो ये घर ही आएगा, मौसम है, परिंदा है, जिस वक्त उड़ गया वो आपका नहीं है, जब वो बैठ गया आपके घर में और पिंजरे के अंदर आ गया, बाहर नहीं पिंजरे के अंदर आ गया, तो आपका है, कोई नहीं दावा दे सकता ऐसा। हाँ जी अली जी क्या हाल है, ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है आपकी? तो दोस्तों इसलिए जो थी ना वो तकरीर लंबी हो जाती है, मूवी लंबी हो जाती है, कि यार किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना बाल के ऊपर से खाल उतारने के लिए टाइम लगता है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बात को, और कोशिश होती है ज़्यादा को ज़्यादा को एक्सप्लेन कर जाऊँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। तो यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म बांट जाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है जी। अली भाई अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। यार अपना बच्चे पलवाने का तरीका मेरे भाइयों,
जी राशि भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, बच्चे कबूतरों के पलवाने का बड़ा अच्छा तरीका है, माँ बाप ने दाना दिया होता है रात को, उनको दादा सीधी पानी दे दिया करो। बहुत सारे दोस्त हैं, बाप सिलैक भी देती हैं, कोई दूध देती हैं, कोई आटे मिक्स करके पसवा के देते हैं। मैंने सारे तजर्बे किए हैं, बेस्ट वे पानी पानी दे दिया करो। थोड़ा सा कबूतरों को जो है ना, 5 सीसी स्टार्ट करो, 15 20 25 सीसी तक पानी दो बच्चे को, इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं कि टैडी कबूतर को, वो टैडी खुद मुकम्मल कबूतर है यार, सदी का बेहतरीन कबूतर बना है। कौन कहता बेवकूफ बंदे ऐसी बात करती हैं, कोई जरूरी नहीं है। लाल आंख के भी सीधे कबूतर उड़ते हैं, सियालकोटी कबूतर सीधे उड़ते हैं, टैडी कबूतर भी उड़ते हैं। वो पहले मरकब बना हुआ है, 4 5 6 नस्लों का पहले मरकब है, उसमें और डाल दो, वाह रे वाह, कमाल बात है, वो सीधे ही उड़ते हैं। हमने तो नहीं देखा अहमद कमर के घर में, चैंपियन UAE, ठीक है जी, वो टैडी टैडी की थाल लगा हुआ है, उड़ रहे हैं शामों तक उड़ रहे हैं। तो जी दोस्तों भाइयों, अब हमारी भी बस हो गई है, आप लोगों की बस हो गई है, मेहरबानी है आप लोगों की, आप प्यार करते हो देखते हो। तो यार मूवी को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, उससे क्या होता है कि यार मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर दूँ। मेरे नज़दीक कोई पार्टी नहीं है कबूतरबाजी में, कोई मेरा मुखालफ नहीं है, सब मेरे दोस्त भाई हैं, ठीक है। पता नहीं कौन सी घड़ी जो थी, या पूरी हो जानी है कब, ज़िंदगी इंसान की पूरी हो जानी है, ठीक है ना। तो कोई अच्छे लफ्ज़ों में तो याद करेगा ना, यार कोई बंदा आया था कबूतरबाजी के अंदर, उसने बताया था। ये तो नहीं है कि ना ऐसे मुट्ठी बंद कर करके सीधी कब्रों में ले गए हर चीज़। तो बस दुआओं में याद रखा करो, और आप लोगों को सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करो नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, और इज्तनाब करो कि जब बंदा सामने बैठा होता है तो उसको बड़ा इज्जत इखलाक के साथ उसे बात कर रहे होते हैं, जब वो उठ के जाए तो पीठ पीछे उसकी बदखोइयाँ करते हो, वो खुदा के बंदो उससे उसका कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, कोई नुकसान नहीं उस बंदे का हुआ, आप लोगों ने अपना खुद ही नुकसान कर लिया। कि आप लोगों को अल्लाह पाक ने कोई नेकी दी थी ना, कोई काम की, तो वो भी आपने गवा ली, उसके पड़ले में डाल दी। तो जो आपका अगर कोई हरीफ है, इज्जत करो उसकी, कबूतर परवर है, अगर हरीफ ना ना हुआ तो आपने शौक किसके साथ करना है। ये बहुत गलत बात है, बदतमीजी पे आ जाना, गालियाँ बकना, बदतमीजी से बात करना किसी के साथ, यार मैं तो ना इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ, और ना मैं ऐसी दावत देता हूँ, ना ऐसी तबलीग करता हूँ कि कोई बंदा किसी के साथ भी बदतमीजी करे। तो दुआओं में याद रखना, आखिरी यही रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों के हरीब भी हैं उनके साथ भी अच्छे तरीके से इज्जत के साथ पेश आओ, अपने दोस्त भाइयों के साथ भी, और ख़ास तौर पर अगर आप किसी के घर में जाओ, उसके घर परिंदा देखो, तो ना के बदनीति और गुमान ये रखो कि ये कबूतर मुझे मिल जाए, उसकी अच्छे तरीके से तारीफ करो और उसको दुआ दो कि अल्लाह पाक तेरे घर में इसको इजाफा करे। दुआओं में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।